देखो, हमें अपने माँ बाप से हुस्ने सुलूक करना चाहिए। इल्म तो हम सभी रखते हैं लेकिन हम लोग अमल नहीं कर पाते। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि हम सभी को अपने माँ बाप से हुस्ने सुलूक करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के हक होते हैं एक होता है अल्लाह का हक और एक होता है बंदों का हक। अल्लाह का हक यह है कि नमाज पढ़े। रोजा रखें, हज करें, जकात करें, इबादत करें। लेकिन अगर आप अल्लाह के हक में कोई कमी करते हैं, अगर अल्लाह का हक क्या है कि नमाज पढ़े, रोजा रखें, हज करें, इबादत करें, लेकिन अगर हम लोग अल्लाह के हक में अगर कमी करते हैं, इबादत में अगर कमी करते हैं, तो अल्लाह रहमान है, रहीम है, हमें माफ कर देंगे। ठीक है, माफ कर देंगे। और दूसरी तरफ बंदे का हक होता है। अगर बंदे का हक तल्फी की जाए, जब तक वह बंदा माफ नहीं करेगा, तब तक हमारे गुनाह माफ नहीं होंगे। और इन सभी बंदों में, सभी इंसानों में सबसे बड़ा हक अगर किसी का है तो वह माँ बाप का होता है। और दुनिया में जितने भी बंदे हैं, इंसान हैं, उन सभी में से अगर किसी का हम पे सबसे ज्यादा हक है तो वो किसका है? माँ बाप का है। अगर माँ बाप से खफा हो जाए, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। अगर माँ बाप हमसे खफा हो जाए तो हम कभी खुश नहीं रह सकते, ना ही हम बख्शे जाएंगे। चाहे लाख इबादत कर ले, चाहे हम कितना भी इबादत कर ले, हमें माफ़ी नहीं मिलेगी, हमें बख्शिश नहीं मिलेगी। इसलिए माँ बाप की नाफरमानी से बचे, इसलिए हम सभी को चाहिए कि माँ बाप की नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने माँ बाप की नाफरमानी को हराम करार दिया। हराम करार दिया है। और कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सभी से हुस्ने सलूक करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर हुस्ने सलूक के अगर कोई है, लायक है, अगर हकदार है, तो हमारे माँ बाप है। माँ बाप के हवाले से अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा मैं आपको सुना रही हूँ। माँ बाप जब तुम्हारे बूढ़े हो जाए तो तुम उन्हें उफ तक ना कहो। अगर हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक नहीं कहना चाहिए, और ना उनको झिड़कना चाहिए, ना ही उनको डांटना चाहिए, हुस्ने सुलूक की कितनी बड़ी फजीलत है, आइए मैं आपको इस हदीस से बताती हूँ। एक हदीस से मैं जिक्र करती हूँ, बताती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स हाजिर हुआ, एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ऐसा गुनाह हो गया है जिसको बयान कर नहीं सकता, मतलब इतनी बड़ी गुनाह हो गई जिसको हम बयान नहीं कर सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उनसे पूछा गया कि क्या तुम्हारी माँ जिंदा है, तो उन्होंने कहा नहीं जिंदा है। तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इंतकाल हो गया, उनकी माँ का इंतकाल हो गया। तो फिर हुजूर ने फरमाया, क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी खाला जिंदा है, जी हाँ, मेरी खाला जिंदा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ, तुम अपनी खाला के साथ हुस्ने सुलूक करो और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे क्या पता चला कि अगर किसी की माँ नहीं है तो अपने खाला के साथ हुस्ने सुलूक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खाला के साथ माँ की तरह ही खाला के साथ हुस्ने सुलूक कर सकते हैं, उससे भी बहुत सवाब मिलेगा। अगर किसी को खाला नहीं है तो चाची के साथ, अगर चाची नहीं है तो माँ के दोस्तों के साथ भी हुस्ने सुलूक करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक जो रिश्ते हैं, आपको चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि हम उन रिश्तों के साथ इतने अच्छे हुस्ने सुलूक करें कि जब वो दुनिया से चले जाए ना, तो हमें अफसोस ना हो कि काश हम ये कर लेते। और आज के वक्त में क्या है, जब हमारे पास कोई रहता है तो हमको उसकी कदर नहीं होती, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, जो भी हो, रिश्तेदार हो, जो भी दुनिया के कोई भी रिश्तेदार हो या कोई भी चीज़ हो, सिर्फ इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कीजिए, क्योंकि जीते जी अगर हम किसी की कदर नहीं करते तो मरने के बाद हम लाख आंसू बहा लें, वो वापस नहीं आ सकते। और जिंदगी में अगर किसी की कदर करना है तो जीते जी, क्योंकि मरने के बाद तो हर कोई आता है तो रो लेता है और हर कोई रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो
वो जो जो इंसान की ज़िंदगी में जीते जी उसकी कदर की जाती है ना, उसकी दुनिया में कोई बराबर नहीं। और अपने माँ बाप को जब भी सुबह उठिए या बाहर कहीं जाइए तो सलाम कीजिए और मुस्कुरा के देखिए। माँ बाप को मुस्कुरा के देखने का भी बहुत बड़ा सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ सीखिए समझिए। माँ बाप को सबसे पहले तो कोई ऐसी काम नहीं कीजिए, कोई ऐसी हरकतें नहीं कीजिए जिससे माँ बाप को शर्मिंदगी हो, क्योंकि आज के वक्त में हमारे दोस्त आज के वक्त में बहुत लोग की ये प्रॉब्लम होता है हो जाती है ना कि अगर कोई दोस्त मिल गया तो जो है मेरा दोस्त ही है, जो जैसा बोले दुनिया अगर बोले कि ऐसी है तो ऐसी है, सुबह है तो सुबह है, शाम है तो शाम है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई भी आपका बेहतर नहीं सोच सकता है। जो है बचपन से लेकर आज तक अगर आपने आपके माँ बाप ने इतना कुछ किया है तो कम से कम आप उनके साथ हुस्ने सुलूक तो कीजिए। हुस्ने सुलूक के तो वो पूरा पूरा लायक है, और हुस्ने सुलूक के साथ आपके माँ बाप ही है जो इस दुनिया में चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाए, वरना पूरा दुनिया के लोग तो आपको पैर खींचने के लिए ही है। दुनिया का कोई इंसान नहीं चाहता कि हाँ हम अपने लाइफ में कामयाब हो जाए, बेहतर बन जाए, कुछ ज़िंदगी में कुछ कर ले, कुछ हासिल कर ले। एक माँ बाप ही है, उसके बाद भाई बहन ही है आज के वक्त में, क्योंकि आज के वक्त में हर किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। आज का ऐसा माहौल है, ऐसा सिचुएशन कंडीशन चल रहा दुनिया का इस तरह का है कि लोगों पर एतबार करना मुश्किल है। लोगों को समझना कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।